अगर आप स्क्रैच में स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं तो स्प्राइट को मूव कराना होगा और इसके लिए आप मोशन ब्लॉक को यूज करेंगे। इसे ही आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वन बाय वन मैं मोशन ब्लॉक के सभी ब्लॉक्स का यूज एक्सप्लेन करूंगी। हेलो एवरीवन, मोशन ब्लॉक ब्लू कलर के होते हैं और इसमें 15 ब्लॉक्स हैं। वन बाय वन इन ब्लॉक्स को अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे यूज करोगे इसे। बाय डिफॉल्ट कैट स्प्राइट स्क्रीन पे रहता है, इसी स्प्राइट पे मैं आप लोगों को सभी ब्लॉक्स का यूज एक्सप्लेन करूंगी। मूव 10 स्टेप्स, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अगर स्प्राइट को हमें 10 स्टेप्स मूव कराना है तो इस ब्लॉक को यूज करेंगे। आप 10, 20, 30 जो भी चाहे स्टेप्स आप चेंज कर सकते हो अपने जरूरत के अनुसार। तो इसको क्लिक करते हैं, देखिए स्प्राइट 10 स्टेप मूव कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं 100 स्टेप्स, तब देखिए स्प्राइट कैसे मूव करता है, इसकी स्पीड बढ़ गई। नेक्स्ट टर्न 15 डिग्री, ये क्लॉकवाइज टर्न शो कर रहा है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो 15 डिग्री स्प्राइट टर्न हो रहा है। और अगर आप इससे ज्यादा टर्न कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिग्री चेंज कर सकते हो। इसी तरह से टर्न एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री, इस ब्लॉक को आप तभी यूज करेंगे जब आपको स्प्राइट को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कराना है। और पहले के जैसे ही आप इसमें भी डिग्री चेंज कर सकते हो। ये देखिए नेक्स्ट इज गो टू रैंडम पोजीशन। अगर हमें स्प्राइट को किसी रैंडम पोजीशन पे भेजना है तो हम इस ब्लॉक को यूज करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए स्प्राइट अपने आप ही रैंडम पोजीशन को चूज कर रहा है और उस जगह पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज गो टू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है एंड वाई, वाई का वैल्यू दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हो स्टेज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइडेड रहता है, तो इसके विषय में आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो मैंने ऊपर आई बटन पे वीडियो प्लेस कर रखा है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। सिंपल टर्म में मैं आपको एक्स और वाई का पोजिशन कैसे फाइंड करेंगे ये बताने जा रही हूँ। देखिए यहां पर अगर मैंने स्प्राइट को रखा तो x की वैल्यू -25 और y की वैल्यू 17 है। अगर इस प्लेस पे हमें लाना है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। इसी तरह से अगर हम इस पोजीशन पे स्प्राइट को लाना चाहते हैं तो देखिए x की वैल्यू 146 और y की वैल्यू 95 हो गई, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू चेंज कर दी 146 एंड y की वैल्यू 95। और यहाँ पर सिर्फ स्प्राइट की x और y पोजीशन को हमने लाने के लिए यहाँ पर रखा और फिर उसी प्लेस पे स्प्राइट को रखेंगे जहां पर पहले था। अब देखिए जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो स्प्राइट इस पोजीशन पे पहुंच गया। गो टू x एंड y ब्लॉक को हम यूज करेंगे जब हमें एक फिक्स पोजीशन पता हो कि कहाँ पर हमें स्प्राइट को भेजना है। नेक्स्ट ब्लॉक है ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन। यहां पर अभी रैंडम पोजीशन और माउस पॉइंटर कहां पर हमें स्प्राइट को प्लेस करना है। रैंडम पोजीशन सेलेक्टेड है टू रैंडम पोजीशन। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्क्रैच अपने आप ही 1 सेकेंड रैंडम पोजीशन पे ग्लाइड कर रहा है और आप सेकेंड्स को चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहां 5 सेकेंड अगर कर दिया तो देखिए क्या होता है, 5 सेकेंड में स्प्राइट रैंडम पोजीशन को चूज करके उस प्लेस पे अपने आप को प्लेस कर देगा। नेक्स्ट ब्लॉक इज ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स का पोजीशन दिया हुआ है और वाई का पोजीशन दिया है। अब आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो कि एक्स और y का पोजीशन क्या होना चाहिए, हमें स्प्राइट को कहां प्लेस करना है, ग्लाइड करके स्प्राइट कहां जाए। तो सपोज अगर हमने इस जगह को चुन लिया है तो यहां पर x की वैल्यू है
4 और y की वैल्यू है 121. तो यहां पर हम चेंज कर देते हैं x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 121. वापस हम स्प्राइट को अपने ओरिजिनल प्लेस पर ले आते हैं. जब हम क्लिक करेंगे ग्लाइड 1 सेकेंड टू x एंड y, तो ये देखिए स्प्राइट उसी पोजीशन पे पहुंच गया. ये था ग्लाइड 1 सेकेंड टू x एंड y पोजीशन जहां पर हमें स्प्राइट को सेंड करना है. नेक्स्ट ब्लॉक है पॉइंट इन डायरेक्शन. यहाँ पे 90 लिखा है तो स्प्राइट 90 डिग्री डायरेक्शन में है. अगर इस डायरेक्शन को हमें चेंज करना है, ये देखिए ये 90 डायरेक्शन शो कर रहा है. अगर हमने इसको चेंज करके 180 कर दिया तो देखिए क्या होगा, स्प्राइट 180 डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है. इसी तरह से -90 अगर कर दिया तो इसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया. 0 पे ये इसका पोजीशन है और फिर से हम जब 90 ले आएंगे तो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगा. नेक्स्ट इज पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर. तो जहां भी माउस पॉइंटर है उस डायरेक्शन को ये पॉइंट कर रहा है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और स्प्राइट ले आती हूं, बैट, और इस ब्लॉक को ले आए. देखिए अब जब इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर बैट आ गया और सेलेक्टेड क्या है, स्प्राइट 1. दूसरा स्प्राइट बैट मैंने यहां पर प्लेस किया हुआ है तो अब एक ऑप्शन बैट यहां पर आ गया. अगर हम यहां पर बैट सेलेक्ट करते हैं तब देखिए क्या होता है, स्प्राइट 1 ही सेलेक्टेड है यहां पर और ये जो भी एक्शन होगा वो स्प्राइट 1 पे होगा, मतलब कैट के ऊपर. इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए कैट किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट टुवर्ड्स बैट. तो इस तरह से अगर हमें स्प्राइट को किसी दूसरे स्प्राइट को पॉइंट कराना है तो इस तरह से हम उसे सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चेंज एक्स बाय 10. जैसे यहां पर ये बैट है और चेंज एक्स बाय 10 लिया है और बैट पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स का पोजीशन 10 स्टेप चेंज हो जाएगा. ये देखिए अगर आप इसे ज्यादा चेंज कराना चाहते हो तो इसकी वैल्यू आप चेंज कर दो, स्टेप्स बढ़ गए. इसी तरह से नेक्स्ट है चेंज वाई बाय 10. तो देखिए y पोजीशन पे 10 स्टेप बैट आगे बढ़ रहा है. नेक्स्ट इज सेट y टू 90, क्योंकि बैट y की 90 पोजीशन पे था इसलिए यहां पर 90 लिखा है. आप अगर चेंज करना चाहते हो, 20 कर दिया y का पोजीशन और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो y का जहां भी 20 पोजीशन है वहां पर बैट आ जाएगा. तो जब हमें सेट करना है एक प्लेस पे y की वैल्यू तो इस ब्लॉक को हम यूज करेंगे. अब अगर यहां पर हम 100 लिख देते हैं तो देखिए कहां जा रहा है, 100 पोजीशन पे पहुंच गया. इसी तरह से हम x की वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं, जिसे मैं कैट स्प्राइट पे एक्सप्लेन कर रही हूं. यहां पर x की वैल्यू मैंने 70 रख दिया है और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहां भी x की वैल्यू 70 है वहां पर स्प्राइट अपने आप को फिक्स कर देगा. नेक्स्ट इज इफ ऑन h बाउंस. इस ब्लॉक का हम यूज कहां करते हैं, जब हमारा स्प्राइट h पर है. ये देखिए ये h कहेंगे इसको, यहां पर है. जैसे स्प्राइट हम h पे सेट कर रहे हैं तो बाउंस वापस वो स्टेज के अंदर आ जाता है इस तरह से. तो इस ब्लॉक का यूज हम यहां पर करते हैं, जब किसी वजह से स्प्राइट मूव करता है और एच पर आ जाए तो हम इस ब्लॉक को यूज करेंगे ताकि स्प्राइट जो है स्टेज के अंदर आ जाए. नेक्स्ट इज सेट रोटेशन स्टाइल. इस ब्लॉक का यूज हम करेंगे जब हम स्प्राइट का रोटेशन स्टाइल लेफ्ट टू राइट रखना चाहते हैं तो इसको चूज करेंगे. अगर हम नहीं रोटेट कराना चाहते हैं स्प्राइट को तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे, डोंट रोटेट. और ऑल अराउंड अगर हम रोटेशन रखना चाहते हैं तो ऑल अराउंड को सेट करेंगे. स्प्राइट
का एक्सपोजिशन अगर हमें मालूम करना है तो हम इस ब्लॉक पे टिक कर देंगे। तो देखिए स्प्राइट वन का एक्सपोजिशन ये डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर। वाई पोजिशन क्या है ये जानने के लिए इस ब्लॉक को टिक कर देंगे तो स्प्राइट का वाई पोजिशन डिस्प्ले हो रहा है। किस डायरेक्शन में है इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन भी दिखाएगा। ये तो स्प्राइट वन के लिए है। अगर हम बैट स्प्राइट के लिए भी एक्स वाई और डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बैट का एक्सपोजिशन, वाई का एक्सपोजिशन और इसका क्या डायरेक्शन है ये यहाँ पर शो हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।